अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों पाई की एक न्यू अपडेट आई है जिस पे बात कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पाई के बारे में मुझसे पूछा जाता है कि पाई का हमारा जो है अब काफ़ी लोगों की, क्योंकि 90% लोगों की KYC भी हो चुकी है, जिनकी नहीं आई उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, KYC उनकी आ जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर जो है अगर आप मेन नेट में जाते हैं पाई के, और यहाँ पर मेन नेट चेक लिस्ट पर आप अगर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर लोग क्या पूछ रहे हैं कि हमारे जो है ये सारे स्टेप जैसे मेरे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो है सिंपल यहां पे हमारा ये लास्ट स्टेप जो मेरा भी रुका हुआ है, माइग्रेट टू मेन नेट वाला, ये अभी तक हमारा जो है पेंडिंग है, अभी तक हमारा नहीं हुआ। हालांकि यहां पे 7 दिन लिखे हुए हैं और 7 दिन के अंदर अंदर हमारे वॉलेट में ये नहीं गया, तो ये क्या हमारा नहीं होगा, सबका रुका हुआ है। किसी मैंने आपको पहले ही अपडेट दी थी, इनके जो है मेन नेट के एक्सप्लोरर पे भी दिखाया था कि अभी जो है ये लॉकअप में है, जैसे ये अनलॉक करना स्टार्ट होंगे तो आपका भी यहां से चला जाएगा। इसके लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम आप कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, किसी को मैसेज करने की, टीम को मैसेज करने की, कुछ नहीं होगा। जब ये अनलॉक करना स्टार्ट करेंगे सबके अनलॉक होंगे और सबके माइग्रेट होके चले जाएंगे उसमें। तो उसके बाद जो है सिंपल अगर आप, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे जो है KYC का पूछा जाता है, KYC के लिए भी अभी आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, तो वेट करने की जरूरत है। तो यही बात अगर आप यहाँ पे आके देखते हैं पाई नेटवर्क के जो है सिंपल, अगर आप आ जाते हैं सिंपल मेन अब उसके जो है सिंपल मतलब ट्विटर हैंडल पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ब्लॉक एक्सप्लोरर वाला ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे देख सकते हैं। इन चीज़ों को आप नोट करते रहिए, ये चीज़ें अगर बाकियों की माइग्रेट हो रही हैं यहाँ से, तो आपकी भी माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगी जब आपका नंबर आएगा। तो इतना देखें, ये काफ़ी जो है अच्छे खासे पाई हैं जो इन्होंने माइग्रेट करने हैं। तो ये अगर एक साथ सबके माइग्रेट कर दें तो इन सबको लगा हुआ है कि अनऑफिशियल सेलिंग हो रही है, तो पाई की वैल्यू तो कुछ भी नहीं बचेगी। इस वजह से इसमें से देखें थोड़े थोड़े जो है यहां पे जो है लॉकअप में मतलब के हैं, और उसमें से थोड़े थोड़े जो है अनलॉक हो रहे हैं, तो ये सारा सीन चल रहा है। बाकी यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है और मेन नेट इसका ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसका मेन नेट जो है मतलब जल्द ही आगे आने, मतलब मेन नेट की बात करें, मेन नेट तो ऑलरेडी है, लेकिन इसके टोकन लॉन्च जो है ऑलरेडी होने वाला है कुछ, मतलब के कल ही इसका, कल परसों तक इसका एक सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में जो है इन्होंने पूछा क्या था वो मैं आपको सर्वे नहीं करवा पाया, क्योंकि उसकी अपडेट मैंने इस वजह से नहीं दी, क्योंकि वो काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर मतलब कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अपडेट आती रहती हैं तो उन अपडेट्स को करना ज़रूरी है ताकि हम एक्टिव दिखें और हमारी KYC आ जाए, तो ऐसा नहीं है। उन सर्वे को करना या ऐसी चीज़ों को करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, अगर आप करते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी। जिसमें जो है मतलब बेसिकली उस सर्वे में पूछा जा रहा था कि पाई को हम किस के लिए यूज़ करें, गुड्स के लिए, जैसे आप पाई माल वगैरह और ये फेक सारे देखते हैं, वैसा एक रियल जो है यूज़ केस वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेजोन में या इस चीज़ों में जो है या सिंपल हम पाई को लेके आएँ और यहाँ पे हमारा जो है सिंपल फ़ायदा हो जाए, मतलब कि आप पाई से जो है कोई पेमेंट गेटवे बना दिया जाए जिससे आप कुछ बाय भी कर सकें, सेल भी कर सकें, और यूज़ केस एक बना दिया जाए। तो इस तरह का जो है सीन लगाने की जो है कोशिश की जा रही है। और बाकी वो ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि उसको करना ज़रूरी था, ज़रूरी नहीं था बिल्कुल, इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद जो है सिंपल अगर आप बोलें कि मतलब कि ऐसी चीज़ें करने से हम यहाँ पे पाई में एक्टिव नज़र आएंगे और हमारी KYC भेज दी जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। जिनकी अब KYC अभी तक नहीं आई उनके जो है कोई नेम में इशू होगा या कुछ भी और इशू हैं जिसकी वजह से वो किए हुए हैं, आपको एक्टिव रहने से अब जो है ये नहीं होने वाला कि आपकी KYC आ जाए, क्योंकि वो जिनके इश्यूज ऐसे थे कि वो एक्टिव नहीं होते थे इस वजह से KYC नहीं आती थी, वो अब सारे सॉल्व हो चुके हैं, तकरीबन सबकी KYC हो चुकी है। अब जब आपकी KYC होगी वो जिनकी भी पेंडिंग है उनको एक गुड न्यूज़ देता चलूँ कि सबके लिए ओपन KYC आएगी, अब एक एक करके नहीं आएगी, जिनकी भी बची हुई है उन सब के लिए जो है ओपन एक KYC आएगी, और वो ओपनली सारे के सारे एक ही टाइम में, जैसे हमारे पास ओमेगा की आई थी या सतोशी कोर की हम शुरू में कर लेते हैं, या इसी तरह जैसे बाकी प्रोजेक्ट की हमारे पास आती है तो इसी तरह हम जो है जैसे शुरू में कर लेते हैं, तो वैसे जो है हमारे पास होगी। एक और बात भी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है मैंने आज ही जो है यहाँ पे मेलन, हमारे पास मेलन का एक जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट है जो कि कल को जो है यहाँ पे लिस्ट होने वाला है, और उसकी 12 सितंबर को जो है सिंपल टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो भी आपने पॉइंट्स अर्न किए होंगे जूस उसके हिसाब से वो कन्वर्ट करके आपको मेलन टोकन दिए जाएंगे, जो कि आप यूनिस्वैप पे, आई थिंक यूनिस्वैप पे या जिस भी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा मैं आपको बताऊंगा किस तरह सेल करना है वो कर पाएंगे। मैंने इस वजह से इस पर ज़्यादा मतलब के हाइप क्रिएट नहीं की, क्योंकि सही नेटवर्क और साइबर नेटवर्क पे ऑलरेडी हमने काफ़ी जो है बताया था कि ये प्रोजेक्ट आ गया है, बाइनांस पे बड़ा प्रॉफिट देंगे, लेकिन उन्होंने जो है
जब इतने बड़े प्रोजेक्ट जो है सिंपल धोखा कर जाते हैं, तो सिंपल जो है फिर बाद में लोग ये कहते हैं कि आप इसके बारे में इतना बोल रहे थे इतना, तो इसी वजह से मैंने जो है अपना फर्ज करना है, मैंने दे दिया है कि इसमें आपने एयर ड्रॉप ज्वाइन करना था, सबने पॉइंट्स भी अर्न किए हुए हैं। अब ये जितना रिवॉर्ड देगा इसकी कोई प्राइस प्रेडिक्शन या कुछ इस तरह हम नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में जो है मायूसी हो जाती है कि हमने इतना सोचा था और इतना कम मिला। तो यहाँ पे जो है अगर ज्यादा मिल गया तो ठीक है, कम मिल गया तो ठीक है, हमने जो ज्वाइन करना होता है और उसको रख देना होता है। लेकिन गुड न्यूज यही है कि इनका टोकन जो है कल लॉन्च होना है और 12 सितंबर को आपको जो है ये मिल जाएगा। तो इसमें होपफुली उम्मीद रखिए कुछ ना कुछ अच्छा ही हमें मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।